जो आर्टिस्ट होता है ना वो खूबसूरत ही होता है, क्योंकि खूबसूरती बाहर आती है और फिर वो निखरती है। तो आज की मेरी जो पेंटिंग की का जो शो है वो टाइटल इज जर्नी। तो मेरी जर्नी मैं जब 10 साल की थी तब से शुरू हुई और आज यहाँ पे आई हूँ, इस मोमेंट पे हूँ, और भी करना है। यू नो, यू कैन नेवर से कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, दैट वुड बी द डेथ ऑफ यू। सो वन नीड्स टू कीप ऑन लर्निंग, डू न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, स्टडी अलॉट, रिसर्च अलॉट, लर्न अबाउट आर्ट, बिकॉज देयर सो मच हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी ग्राफिक आर्ट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, थोड़े डरावने हैं लेकिन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्योंकि वो फ्यूचर है। ऐसे कुछ नहीं होता जर्नी में, क्योंकि जब 10 साल की मैंने शुरुआत पहली बार पेंसिल उठाया तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब तक जर्नी चालू ही है। तो फिर ऐसा नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस और उस प्रोसेस में फिर आप इवॉल्व करते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग चीज़ें आप देना सीखते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई फील आई शुड कंटिन्यू डूइंग। तब नहीं, तब मेरी मम्मी जो आर्टिस्ट थी वो करती थी, तो मेरे को बहुत अट्रैक्शन लगता था कि वो क्या क्रिएट करती है, तो मैंने उसको कॉपी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा मुझे मत कॉपी करो, तो उन्होंने बाकायदा मुझे सिखाया पेंसिल स्केचिंग कैसे होता है, चारकोल स्केचिंग कैसे होता है, ड्राइंग्स कितनी करनी पड़ती है। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे स्टार्ट ऑफ किया वहाँ से कि हार्ड वर्क है, ऐसे नहीं आज बैठ गए और पेंटिंग कर ली, ऐसे नहीं होता है। तो फिर तब से मैंने सीखा कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है एंड ओपन माइंड रखना ज़रूरी है, अपना ईगो यू हैव टू कीप इट असाइड, बिकॉज जिस जब ईगो भी आड़ में आता है तो आप सीखना बंद करते हैं एंड दैट इज़ योर डाउनफॉल। जी, तो ये जो ओल्ड है वो मेरे पहले वाले पेंटिंग्स हैं। तो मैंने फिगरेटिव से स्टार्ट किया क्योंकि जिन्होंने मुझे, मेरे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट, मुझे एब्स्ट्रैक्ट की बहुत अट्रैक्शन थी, तो उन्होंने कहा अगर एब्स्ट्रैक्ट करना है तो रियलिटी आनी ही चाहिए। तो इसलिए वहाँ से स्टार्ट किया, टेक्निक सीखे, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, उसका वहाँ पे मैंने एक्चुअली लर्निंग वहाँ हुई मेरी। और जब एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट किया फिर दैट वॉज माई ओन थिंग, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सिखाया नहीं जा सकता, वो अंदर से आना चाहिए आपको, और वो आने के लिए आपको बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं, टेक्निक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। देर आर अबाउट 25 पेंटिंग्स, 29 तक है शो एंड टाइमिंग इज़ फ्रॉम 11 to 7। प्लीज़ कम एन्जॉय, सिर्फ पेंटिंग मत देखो, सरफेस मत देखो, उसके अंदर क्या है वो देखना सीखो, लर्न टू रीड अ पेंटिंग, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत कुछ कहता है पेंटिंग के थ्रू। ऐसे नहीं है कि एक फेस निकाल दिया तो फिगर हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सोच होती है। तो मेरे पेंटिंग्स के पीछे 80% सोच और 20% फिर कैनवस पर आता है। मैंने इंडिया अबाउट 40 to 50 एग्जीबिशन्स हुए हैं अब तक, इंडिया एंड अब्रॉड, और सोलोज़ भी हुए हैं, ग्रुप शोज़ भी हुए हैं, और मेरा नाम 100 बेस्ट आर्टिस्ट में इंसाइक्लोपीडिया में इंक्लूडेड है अभी। अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे पर्टिकुलरली नहीं कह सकती मैं, बॉम्बे में डेफिनेटली है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, लेकिन कमीशन वर्क मिलता है। फेसबुक बहुत अच्छा मीडियम है टू पुट योर वर्क आउट टू द वर्ल्ड, तो वहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं फेसबुक से, बिकॉज यू रीचिंग आउट टू द होल वर्ल्ड। सो तो उसके पीछे थॉट होती है, जो मेरी सीरीज़ है हर सीरीज़ में एक थॉट है और उसका नैरेटिव है, तो वो मैं बताती हूँ कि नैरेटिव ये है, मेरी सोच ये थी इसलिए ये हुआ है।
तो ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट ले लिए, कलर्स ले लिए, कैनवस पे डाल दिए और एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नहीं, उसमें सब आता है, कॉम्पोजिशन आता है, सब्जेक्ट आता है, सब कुछ होता है, जो फिगरेटिव में या जो लैंडस्केप में या जो रियलिटी में होता है वो सब होता है उसमें। पेंटिंग ये पेंटिंग देख के आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि गर्मी देख पाते हैं, आमतौर पे उसके एक स्टेज का काम देखने को होता है और उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आती। यहाँ पे उनका शुरू से देखिए अभी तक का काम है तो बहुत ग्रोथ नज़र आती है और एक प्रोसेस जो होता है आर्टिस्ट के डेवलप होने का वो नज़र आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें एक बात लगी कि मेरी मम्मी पेंटिंग करती थी, वहाँ से मैंने सीखा, तो मुझे लगता है कि राजा बुनकर जी के लिए पेंटिंग मदर टंग है। और जब आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं, मातृभाषा में बात करते हैं, तो फिर कुछ आगे रह नहीं जाता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आर्टिस्ट को उसके काम के लिए, आगे की जर्नी के लिए, और अंजलि जी को बहुत बहुत बधाई अच्छा शो ऑर्गेनाइज करने के लिए। आर्ट में रुचि है कि मेरे पास, मेरे घर में दो है, एक जिनको मैं जानता हूँ, एक टेंजोर बनाती है और एक मॉडर्न आर्ट बनाते हैं, और उसमें उनका बिजनेस है और दे सक्सेसफुल ऑल्सो। और ये सारा जो आर्ट देखकर मुझे ऐसे लगता है आर्ट एक मेहनत है, और इस गैलरी में जितने आर्ट इस वक्त लगे हैं उनके अंदर उनकी 15-1 साल की मेहनत दिख रही है, और ग्रेजुअली उन्होंने अपने स्ट्रक्चरल पेंटिंग विजन्स कलर्स स्केल्स धीरे धीरे चेंज किया है। अगर ये 15 साल पुरानी है तो करते करते आज के अंदर की पेंटिंग का डिटेलिंग अलग है, कलर अलग है, एंड उनका अपना विजन है, और वक्त के साथ जो बदलता है वही सिकंदर होता है। मैं ये कहूँगा, मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, ये स्टैब्लिश डायरेक्टर है, बहुत सारे फिल्म एंड बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, मुझे भी बहुत बार काम दिया है इन्होंने। इनके सेट पर ना कोई एक्टर डरता ही नहीं, डर ही नहीं लगता इनके सेट पर, पता क्यों? क्योंकि वो डराते ही नहीं है। इतने प्यार से काम करवाते हैं, सिर्फ ये कहेंगे कि दो लाइनें तो बोल सकेगा ना, तो मैं संभाल लूँगा, बाकी मेरा काम है। तो ये इनकी घास है, तो मैं तो कोई भी सेट पर इनके, कोई भी बड़ा एक्टर है तो ठीक, अपनी मर्जी करता है, ये छोड़ देते हैं, जाते वो करना क्या पड़ता है, और नए वालों को परेशान नहीं करते, तो मज़ा आ जाता है काम करते। ये है इनकी तारीफ सर। ये साथ जूनियर जी किया था जिसमें काफ़ी मतलब बहुत सारे एपिसोड थे, बड़ा आराम से मुझे कॉमेडी करवाते रहे और हिलाते रहे, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। चाहूँगी एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं सोचते हैं कि हमें किस तरह का वर्क करना चाहिए, आर्ट बिकेगा कि नहीं। मैं पहले कहूँगी कि अगर सच में आपको एज एन प्रमोटर, मेरे को 7 साल हो गए फील्ड में, अगर आपको आर्ट बेचना है ना तो अपने आर्ट के बारे में बोलना सीखिए पहले। बिकॉज क्या होता है कि आर्टिस्ट आर्ट बना लेते हैं बट दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे कांट से कि मैंने क्या एग्जैक्टली बनाया है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आई एम थिंकिंग ऑफ द सम, यू नो, कुछ चीज़ें मैं भी काफ़ी सोच रही हूँ। एक तो पॉलिटिक्स में जो हम कहते रहते हैं आर्ट को वैल्यू नहीं है इंडिया में, पहले हम तो शुरू करें, दूसरों को ब्लेम करने से पहले हम खुद से आर्ट को वैल्यू देना शुरू करें। लाइक गैलरीज में हम लोग स्टिक हो जाते हैं, मुझे यही गैलरी चाहिए, मुझे वही चाहिए। आप आर्ट करना शुरू करिए, एक्सप्लेन करना शुरू करिए, लोग सुनेंगे। बिकॉज आप लोगों ने देखा है कि मैं बोलती हूँ बहुत, और मेरा जो भी एक्सप्रेशन है कि आर्ट को लेकर के, मुझे इस तरह के आर्टिस्ट, बहुत तरह के आर्टिस्ट टकराते हैं, सीधा उनका क्वेश्चन ही ये होता है कि आर्ट बिकेगा क्या मेरा, आप मेरा पेंटिंग बेच के देगा? आई एम नॉट एन एजेंट टू सेल योर पेंटिंग्स, आई विल जस्ट प्रमोट योर वर्क। अगर किसी कोई आपका, हर पेंटिंग का कोई ना कोई बायर होता है, जैसे कहते ना हर हस्बैंड के लिए कोई ना कोई लड़की बनी है वगैरह वगैरह, वैसे ही हर पेंटिंग के लिए कोई ना कोई घर, कोई ना कोई वॉल बनी है, वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर हम अपना एक्सप्रेशन, अपना आर्ट जो है सबको बोल बोल के बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। जैसे हम, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे घर पे कोई लड़की होती है, हम चालू हो जाते हैं बोलना, हमारी लड़की जवान हो गई है, लड़कियाँ ढूंढना, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, वैसे ही बायर्स भी सोचते हैं कि मुझे इस तरह की पेंटिंग चाहिए। और अगर आपकी पेंटिंग उनको क्लिक होती है ना, दे डेफिनेटली बाय। आर्ट सेलिंग इज नॉट टफ, इट्स वेरी ईजी, जस्ट वी हैव टू फाइंड द राइट बायर हु अंडरस्टैंड्स योर वर्क। क्योंकि आपका घर पैसे खर्च करने वाले बहुत है, आपकी पेंटिंग ले जाएंगे, मगर उस पेंटिंग को रिस्पेक्ट करना,
क्योंकि आपने जिस दिल से उस चीज़ को बनाया है उसको रिस्पेक्ट करके अपने घर पे सजाना वो भी बहुत मैटर करता है। और क्या पूछना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी हम लोग का नेहरू में होने वाला है। हम लोग फर्स्ट टाइम मुंबई आर्ट फेयर में जा रहे हैं, अपना हमने स्टॉल लिया है। जैसे रविंद्र जो राजेंद्र पाटिल जी हैं उनके साथ भी जब थोड़ी मुलाकात हुई थी तो मन किया कि चलो एक बार मुंबई आर्ट फेयर करते हैं। वहाँ पे हमारे 10 आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, बूथ नंबर 58 है, आप सब लोगों को भी आना है। तो मैं यहाँ पे जो ये हमारा शो है जर्नी, उस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे 29 तक हैं एंड किसी एक्सपीरियंस बडिंग आर्टिस्ट, येस आई रिस्पेक्ट देम, ग्रोइंग आर्टिस्ट आई रिस्पेक्ट देम, एक जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट की जर्नी देखना होता है वो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होगा। हम यहाँ पे 29 तक हैं बजाज आर्ट गैलरी में एंड 11 से 7 काफ़ी टाइम है। मतलब आप ऑफिस से पहले आएँ, ऑफिस के बाद आएँ, नहीं आएंगे तो वो एक्सक्यूज होगा, तो इसलिए ज़रूर आइएगा, हम सब आपका वेट करते हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू नो दैट हर होल जर्नी इज़ कम टुगेदर। सो while I'm seeing it, I could actually remember the times that she had done each of these paintings. So, you know, that very early on, you know, and then progressed to that. I've seen them, you know, being put in our houses, removed, okay. And then the next one's coming up. So I could really kind of visualize the whole journey, and it's very nice to see all of it come together today. So we will also say, Vaishali ji, please. हाँ, मैंने देखा इनके painting तो awesome है, बहुत ही बढ़िया है, और बहुत सारा वर्क आर्ट काम बहुत काम किया है उन्होंने। जी जी, तो इनसे हम सीखना भी चाहिए। तो आपने सोचा किसी दिन आपकी भी जर्नी इस तरह? यस यस। तो हम हैं इधर ही, मैं बहुत हैप्पी क्योंकि यहाँ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा पेंटिंग सब। तो एज एन आर्टिस्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सी पेंटिंग सबसे बढ़िया पसंद आई? मुझे ज़्यादा पसंद आए, एक तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बनाती हूँ। और दूसरा, मतलब मैं पैशनेट आर्टिस्ट हूँ, मैं अलग अलग टाइप के बर्ड्स बनाती हूँ, ये लैंडस्केप मेरे फेवरेट है। मैं लैंडस्केप ज़्यादा बनाती हूँ। तो नंदा जी, थैंक एक्सलेंट। इट्स लाइक आई हैव सीन ऑल दीज पेंटिंग्स, लाइक ऑल ऑफ अस हैव सीन द पेंटिंग्स एट वैशालीज हाउस, एट लाइक पूना हाउस, बॉम्बे हाउस एट्सेट्रा, बट द डिस्प्ले रियली livens up the whole thing, you know, it's like a beautiful different display. Look, yeah, it looks like really nice. Yeah, are you an interested in art and all? No, I mean, not since I was a child. And I have actually studied like when I did my post graduation, I did a paper in art. Okay, but apart from that, no, nothing. But I have seen you know, the way she has moved from figurative to abstract, and this was what, some 5 years ago? More than that, it was at the intolerance thing, remember? She used to do figurative art. Okay. And I had suggested, you know, like there's a very famous film, D.W. Griffith's Intolerance. He was the person who made the first feature film, Birth of a Nation. Okay. After that, he made something called Intolerance in 1916. So I just suggested, ki, why don't you do something, a series on intolerance? It's going to be like, you know, 100 years of his. True. So she was like, yeah, I should get into abstracts, you know. But I think this intolerance word became like very big at that point because of politics. True. But then she had moved to abstracts, and I just love these abstracts. They're like really nice. So any piece of advice you want to say? To Vaishali? No, I mean, she should just keep doing, you know, whatever she's doing right now. And I think it's pretty amazing whatever she's achieved in, because she started later than most artists, yeah. Yeah, who go to art school and then they paint for so many years. She started late, but she's like really achieved a lot. And we are very proud of her. Oh.